Then the heteromeres type of the lichen. This consists of the specific zone of the algae and fungi, and this is differentiated into upper cortex, algal zone, medulla, lower cortex, and rhizoids. This is the upper cortex. इसमें जो थैलाई है जिसमें अलगल सेल फॉर्म ए डेफिनेट लेयर और अलगल लेयर विद इन द थैलस. मोस्ट ऑफ द लाइकन बिलोंग टू दिस कैटेगरी. दे एक्सिबिट द स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर एंड इट इज आल्सो कॉल्ड हेट्रोमीरस थैलस. इसमें स्पेशल जोन बने हुए हैं, स्ट्रेटा बने हुए, इसलिए इसको स्ट्रेटिफाइड लाइकन भी कहते हैं. This is the upper cortex. It is the outer thick protective zone made up of the compactly interwoven mass of the fungal hyphae on the upper surface of the thallus. ये फंजाई की बना हुआ है सिर्फ, लेकिन compactly arranged hyphae है. Fungal hyphae are more or less at the angle to the surface of thallus, forming a tissue-like structure. And the fungal hyphae are either without intercellular spaces or if present space that is filled with the gelatinous material. अपर कोर्टेक्स में है माइन्यूट पोर कॉल्ड ब्रीदिंग पोर. यहाँ पे माइन्यूट पोर भी हो सकते हैं, उनको ब्रीदिंग पोर कहते हैं, जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. एग्जाम्पल है फॉर्मेलिया, जिसमें ब्रीदिंग पोर पाए जाते हैं. सेकेंड है अलगल जोन, दिस इज जस्ट बिलो द अपर कोर्टेक्स. And this consists of loosely interwoven mass of fungal hyphae intermixed with the algal zone. बीच में fungal hyphae है, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी algal cell भी है. Alga belong to the cyanophyci और chlorophyci. Algae may be unicellular or filamentous. This zone was earlier known as gonodial zone लेयर बिकॉज अलगल सेल वर कंसिडर टू बी रिप्रोडक्टिव इन फंक्शन. इसलिए इसको गोनीडियल जोन भी कहते हैं. दिस जोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड सिंथेसिस, क्योंकि अलगी है वो फूड सिंथेसाइज करती है. द फंजल हाइपी सेंड होस्टोरिया इन साइड द अलगल सेल टू ऑब्टेन द न्यूट्रिशन. जो हाइपी है वो अंदर एंटर कर जाती है अलगी की जो सेल में और इससे न्यूट्रिशन लेती है. दिस जोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड सिंथेसिस. और जो साइनोफाइशियन है वो नाइट्रोजन फिक्स भी करती है और नाइट्रोजनस फूड भी प्रोवाइड करती है. कॉमन अलगल जनरा फाउंड इन वेरियस लाइकन थैलाई आर क्लोरेला, प्रोटोकोकस, ब्लूरोकोकस, सिस्टोकोकस, ट्रिबोक्सिया. दीज आर यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी एंड क्लेडोफोरा एंड टेंटियोहोलिया. दीज आर फिलामेंटस ग्रीन एल्गी एंड ग्लोयोकैप्सा यूनिसेल ब्लू ग्रीन एल्गी एंड दिस इज द नोस्टो और रिवलेरिया. बोथ आर फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी आर फाउंड इन दिस टाइप ऑफ द लाइकन. देन नेक्स्ट है मेडुला, दिस इज प्रेजेंट बिलो द अलगल जोन एंड दिस इज कंपोज्ड ऑफ इंटरवोवन मास ऑफ फंजल हाइफी forming the loose prosenchyma in which the individuality of hyphae is not lost. They can be easily distinguished. जैसे hyphae एक दूसरे से अलग अलग है और वे loosely arranged है. Hyphae are scattered and running in all the direction, giving out the anastomizing strain which is in the upper and lower cortex zone. जो इस कोर्टेक्स में, लोअर कोर्टेक्स में भी जा रही है और अपर में भी जा रही है इसकी हाइफी. दिस इज मेडुला. नेक्स्ट है लोअर कोर्टेक्स, दिस इज आल्सो मेड अप ऑफ द कंपैक्टली अरेंज्ड फंजल हाइफी एंड विच आर विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेसेस. दिस जोन आल्सो मेड अप ऑफ ओनली द फंजाई. देन द लोअर एपिडर्मिस के बिलो है राइजोइड. दीज आर द मल्टी सेल्युलर outgrowth of the hyphae and which help in attachment or anchorage. These are the rhizoids. They are many number. This is about the heteromeres type of the lichen. These both are very important.
So the irrespective of the form of thallus, heteromerous lichen thalli consist of the three regions, algal zone, medulla and cortex. ये तो main region होते हैं इसके. Structure of crustose, folios, fructicose on fructicose lichen thalli is more or less similar to general way except in fructicose lichen where the different zone form cylinder instead of horizontal layers. जैसे इसमें है किसी लाइकन में तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल ले है, किसी में अपर सिलेंडर बनाती है. जैसे ये हॉरिजॉन्टल लेयर है ऐसे, और किसी में ऐसे सिलेंड्रिकल लेयर बना देती है. डिफरेंट लाइकन में डिफरेंट स्ट्रक्चर पाते हैं पाए जाते हैं. दिस इज अबाउट द हेटरोमेरस टाइप ऑफ द